हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हाईली डिमांडेड वीडियो, जो कि रहेगी ऑन दी ऑल न्यू 2021 वैगनआर LXi CNG मॉडल के ऊपर। तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट्स में मेरे को बहुत डिमांड किया था कि हमें वैगनआर का LXi CNG वाला वेरियंट का रिव्यू दिखाओ। तो आज यही वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये आपका LXi CNG वाला वेरिएंट है, जो आता है एक 998 cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है लगभग 58 bhp की पावर एंड 78 nm का टॉर्क, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इवन दो जो 1 लीटर वाला इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 67 bhp की पावर, बट सिंस इस गाड़ी में CNG इंस्टॉल की गई है और ये CNG वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको पावर और टॉर्क दोनों रिड्यूस मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के गियरबॉक्स ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। आपको यहाँ पे कोई भी AMD का ऑप्शन नहीं मिलता CNG वाले इंजन में। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी की चाबी की, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल चाबी मिल जाती है, कोई भी सेंटर लॉकिंग वाली चाबी नहीं मिलती, बट आप यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी सेंटर लॉकिंग वाली चाबी इंस्टॉल करवा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग आएगी लगभग 6500 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के सामने के ओवरव्यू की, तो इस गाड़ी का जो सामने से लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक एंड स्टाइलिश लुक आता है इसका। ये बिल्कुल पुरानी वैगनआर से इंस्पायर्ड होकर मारुति ने इसका डिज़ाइन अभी भी कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के सबसे पहले हेडलाइट्स की, तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स, जिनका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको रात में गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसी के ठीक नीचे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आपके इंडिकेटर्स की लाइट्स। देन यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाए गए हैं, जिसकी कॉस्टिंग अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन यहाँ पे बात करें इस गाड़ी के ग्रिल की, तो आपको यहाँ पे जो ग्रिल मिलता है वो काफ़ी अच्छे लुक में आता है। एंड यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिपिंग मिल जाती है, जो इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी की रेडिएटर की, तो रेडिएटर अगेन काफ़ी सिंपल लुक में आता है, इसमें जो वेंटिलेशन का काम करता है वो भी बिल्कुल प्रॉपरली करता है। तो आप इस गाड़ी का आप साइड से होल लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन लुक आता है इस गाड़ी के साइड से। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको यहाँ पे 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी बनाती है सिटीज़ में चलाने के लिए, जहाँ पे आपको रोड्स थोड़े ख़राब मिलते हैं, आप आसानी से इस गाड़ी को चला सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के व्हील्स की, तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 13 इंच के स्टील रिम्स, जहाँ पे आपको सामने डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर का लाइट मिल जाता है। अब आप इस गाड़ी के एक बार साइड व्यू मिरर्स का होल लुक देख लीजिए, ये आपको बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं, ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, बट इनका जो लुक है वो काफ़ी डिसेंट है एंड अच्छी खासी पीछे का लुक दिखा देते हैं, पीछे क्या आ रहा है। ये इवन तो एडजस्टेबल नहीं है, बट आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की, तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स इंस्टॉल करवा सकते हो। इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लॉकिंग सेंस नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको चाबी यहीं पे लगा के ओपन करनी पड़ेगी, बट आप एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी सेंट्रल लॉकिंग लगवा सकते हो। देन अभी इस गाड़ी के ऊपर डोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डोर ओपन करने के बाद सबसे पहले अगर मैं डोर के लुक की बात करूँ, तो ऑल ब्लैक लुक में आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बिकॉज इस गाड़ी में आपको रियर में पावर विंडोज़ नहीं मिलते। ये आपके चाइल्ड सेफ्टी लॉक है फॉर योर पावर विंडोज़, यहाँ से आप अपने डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो। जो डोर हैंडल्स है वो ब्लैक कलर में आपको प्लास्टिक की फिनिश में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है गाड़ी की, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पे स्टोरेज की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 1 लीटर की बॉटल रखने की स्टोरेज। एंड यहाँ पे उसी के ठीक साइड में आपको मिल जाती है और छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स एंड दूसरी चीज़ें रखने की स्टोरेज। वैसे इस गाड़ी में आपको कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते, बट यहाँ पे सिंस एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी सिस्टम और स्पीकर्स इंस्टॉल किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सामने 2 स्पीकर्स का सिस्टम मिल जाता है इस वेरिएंट में, जिसकी कॉस्टिंग अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन आप इस गाड़ी एक बार आप इंटीरियर का होल लुक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक आता है इस गाड़ी के इंटीरियर का, बिल्कुल ब्लैक एंड बीच के उसमें फिनिशिंग आती है। और बात करें यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पेट्रोल टू CNG में स्विच करने का बटन, या आपके फॉग लैंप्स का बटन है, जो कि अगेन एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी था। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के सीट्स की, तो सीट्स यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लुक में मिल जाते हैं, इवन तो इनकी जो कुशनिंग वाइज कम्फर्ट वाइज बोलूँ, तो काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स आपको पे मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली आपको इस वेरिएंट में कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती,
आप बस इसे आगे पीछे टिल्ट और रिक्लाइन कर सकते हो, बट उसके बाद भी जो इस गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कम्फर्ट है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और अंदर जाके आपसे बात करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो इस गाड़ी का स्टेयरिंग इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक मिलता है, बिल्कुल प्लेन है। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना ही इसमें आपको कंट्रोल्स मिलते हैं और ना ही ये स्टेयरिंग हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पे अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूँ तो इवन द लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आता है इस पूरे स्टेयरिंग का। यहाँ पे देन बात करें स्टॉक्स की, तो लेफ्ट वाला स्टॉक आपके फ्रंट वाइपर्स एंड वॉशर्स के लिए है एंड राइट वाला स्टॉक आपके हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स के लिए है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो इसे एक बार ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है वो टिपिकल मारुति का जो स्टैंडर्ड आता है वही वाला है। यहाँ पे आपको बीच में एक स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कोई भी टैकोमीटर नहीं मिल जाता। उसके ठीक नीचे स्पीडोमीटर के आपको यहाँ पे MID मिल जाती है जो काफ़ी सारी ऑप्शन शो करती है एंड आप इसे यहाँ से ब्राउज करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखा देंगे लाइक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आता है। टिपिकल मारुति की डिज़ाइन लैंग्वेज को ये फॉलो करता है। यहाँ पे ऊपर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है और उसी के ठीक नीचे आपको यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले जो कि MID बोलते हैं वो मिल जाती है आपको, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देती है लाइक डिस्टेंस टू MT, माइलेज, ये सब एवरेज माइलेज। देन आपको स्पीडोमीटर के चारों तरफ यहाँ पे आपको टेलर लाइट्स दिए गए हैं जहाँ पे आप डिफरेंट वार्निंग लाइट्स और ये सब चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल इस गाड़ी का अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक में आता है। यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको इवन दो कोई भी सिस्टम नहीं मिलता, ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी है और इसकी कॉस्टिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं यहाँ पे नीचे वीडियो में भी अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको इवन दो कोई सिस्टम नहीं मिलता, बट आप आपका जैसा मन है आपको टचस्क्रीन सिस्टम लगवाना है वो भी लगवा सकते हैं यहाँ पे। देन उसी के ठीक नीचे अगर हम आए तो आपको यहाँ पे हैजल लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, जो हैजल लाइट के बटन का ऑप्शन होता है। देन और नीचे अगर हम आए तो आपको यहाँ पे मैनुअल AC मिल जाता है जो कि बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक है। नॉर्मल आपको ब्लोअर के कंट्रोल्स, AC ऑन ऑफ के बटन और डिफरेंट मोड्स में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं और यहाँ से आप अपने एयर मोड्स को चेंज कर सकते हैं। फिर उसी के ठीक नीचे और आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है अपने फ़ोन्स को रखने के लिए भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है वाइल ट्रैवलिंग। यहाँ पे आपको मिल जाता है 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। CNG वाले वेरिएंट में आपको कोई भी AMT का ऑप्शन नहीं मिलता, डू नोट दैट। देन नीचे यहाँ पे अगर हम आए जो इसका यहाँ पे पैनल पूरा है, यहाँ पे आपको एक 1 लीटर की बोतल रखने की स्टोरेज दी गई है और उसी के ठीक साइड में आपको थोड़ी बहुत और स्पेसिंग मिल जाती है जहाँ पे आप कॉइन्स, छोटे मोटे चीज़ें रख सकते हो आसानी से। एंड इसमें अगर बात करूँ तो जो बोतल रखने की जगह दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। डोर्स में भी आपको 1 लीटर की बोतल, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आराम से फिट आ जाती है एंड यहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बोतल रखने की स्टोरेज आसानी से दी गई है। देन यहाँ पे अगर हम बात कर लें अगेन इस गाड़ी के पूरे डैशबोर्ड का लुक का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयरी लुक आता है इस गाड़ी के डैशबोर्ड का। एंड यहाँ पे जो डुअल टोन में जो फिनिशिंग की गई है जो कि बीच एंड ब्लैक में है, वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच प्रोवाइड करता है। देन बात करें यहाँ पे AC वेंट्स की, तो AC वेंट्स अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक में आपको मिल जाते हैं, काफ़ी इसका अच्छा लुक आता है एंड आप इसे यहाँ से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड साइड वाले AC वेंट्स की बात करें तो ये भी एडजस्टेबल है और आप इसे बंद और खोल भी सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे और डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स और छोटे मोटे चीज़ें आसानी से रख सकते हैं। देन ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे लुक में आता है एंड अच्छे से पीछे का लुक पूरा दिखा देता है आपको। यहाँ पे आपको सेंटर में एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। देन वैनिटी मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक है, बट आप इसे यहाँ से ओपन करके एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसके ड्राइवर साइड वाले वैनिटी मिरर की, तो आपको यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता अगेन। यहाँ पे बस आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है जहाँ पे आप अपने टोल रिसिप्ट और छोटे मोटे चीज़ों को कैरी कर सकते हो। देन आई गेस मैंने सामने के हिसाब से सब कुछ बता दिया है, तो अगर आपको लगता है मैं कुछ बताना भूल चुका हूँ तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट में। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस एंड मैंने ये वाली सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। तो अभी चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं कितनी स्पेसिंग हमें रियर सीट में मिल जाती है।
देन आप इस गाड़ी के अब एक बार डोर्स, रियर डोर्स का भी लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आता है इस गाड़ी के रियर डोर्स का भी। यहाँ पे आपको सेम ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार सी पिलर में, तो आपको एक ब्लैक इंसर्जन मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। देन यहाँ पे भी डोर की क्वालिटी जैसा मैंने आपको बताया था काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी लाइट डोर है, तो आप एक ही फिंगर से इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। देन यहाँ पे भी आपको अगर हम स्टोरेज की बात कर लूँ, तो 1 लीटर की बॉटल रखने की स्टोरेज दी गई है, उसके साइड में आपको छोटी मोटी और चीज़ें रखने की स्टोरेज दी गई है। देन यहाँ पे आपको मैनुअली विंडोज़ को डाउन करना पड़ेगा, सिंस यहाँ पे आपको पीछे पावर विंडोज़ नहीं मिलते। देन यहाँ पे आपको अगेन जो डोर हैंडल है प्लास्टिक ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, एंड एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप पीछे भी स्पीकर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आप इस गाड़ी के एक बार अब इंटीरियर का होल लुक देख लीजिए, पीछे से काफ़ी ज़्यादा एयरी लुक आता है इस गाड़ी के रियर में भी। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कितनी स्पेसिंग हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे रियर सीट में बैठने के बाद मैं ये बोलूँगा कि इस गाड़ी की जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया था मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, और ये सीट एक्चुअली में बिल्कुल पीछे ही है उस हिसाब से। उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे 4 फिंगर्स की पूरी स्पेसिंग मिल जाती है, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल है। यहाँ पे पीछे आराम से 6 फुट के लोग भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड बात करें इस गाड़ी के हेडरूम की पीछे, तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है यहाँ पे। इवन तो कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते आगे या पीछे कहीं पे भी, और ना ही आपको यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट मिल जाता है। बट उसके बाद भी जो ये केबिन है ये अच्छा खासा वाइड है, तो यहाँ पे 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा आराम से बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 एडल्ट्स थोड़ा टाइट फिट होगा, बट शॉर्ट जर्नीज के लिए वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अगर और बात करें रियर में, तो यहाँ पे आपको ऊपर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, कोट हुक नहीं मिलता आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पीछे मैनुअल विंडोज़ मिल जाता है, आपको ऐसे करके डाउन करना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का ऑप्शन आपको पीछे नहीं मिलता, आपको VXI और वेरियंट से मिल जाते हैं आगे और पीछे पावर विंडोज़। देन यहाँ पे पीछे आपको ट्रे मिल जाती है एक, जो कि पार्सल ट्रे है, वो मैं आपको बूट से अच्छे से लुक दिखा दूंगा इसका। एंड ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, तो पीछे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट जो पीछे का एक्सपीरियंस है ओवरऑल कम्फर्ट एक्सपीरियंस, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के बिल्कुल रियर में और देखते हैं इस गाड़ी के बूट में कितनी स्पेसिंग हमें मिल जाती है। तो आप इस गाड़ी का रियर से होल लुक देख लीजिए, बहुत बेहतरीन लुक आता है इस गाड़ी के रियर से। यहाँ पे अगर आप बात करोगे इस गाड़ी के टेल लाइट्स की, तो बिल्कुल वर्टिकल शेप में आपको टेल लाइट्स मिल जाते हैं, जिनका लुक काफ़ी बेहतरीन आता है। ये आपके नॉर्मल कन्वेक्शनल लैम्प्स होने वाले हैं, कोई भी LED आपको यहाँ पर नहीं मिलते। देन बात करें यहाँ पर, तो आपको क्रोम में पूरी वैगनआर की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। देन ऊपर आपको यहाँ पर हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प मिल जाती है, CNG का लोगो, बिकॉज ये एक CNG वेरियंट है। देन यहाँ पे आपको नीचे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 2, जो कि स्टैंडर्ड है आज के टाइम पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे चाबी लगा के बूट को ओपन एंड क्लोज करने का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे एक लीवर मिलता है, जहाँ से आप बूट को ऐसे ओपन कर सकते हो, ये वाला लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस गाड़ी की बूट की, तो यहाँ पे बूट में आपको वैसे तो 341 लीटर्स या 341 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, बट यहाँ पे सिंस ये CNG वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो नीचे माउंट नहीं हो सकता। तो स्पेयर व्हील और टैंक लगने के बाद यहाँ पे जब आपको स्पेसिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाती है। ये आपका एक डाउनसाइड रहता है CNG गाड़ियों के साथ, कि बूट स्पेस में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। यहाँ पे स्टिल आप छोटे मोटे सामान और छोटे मोटे सूटकेसेस बड़े ही आसानी से रख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्सल ट्रे, जो कि आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। एंड ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आप छोटे मोटे सामान अगेन प्लेस कर सकते हो। देन यहाँ से आप अपने सीट्स को पूरा फोल्ड कर सकते हो, कोई भी 60-40 स्प्लिट नहीं आता, ये पूरी बेंच सीट है, पूरी फोल्ड हो जाती है आसानी से। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन पे और बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल ओपिनियन की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंजन की, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक 1 लीटर का, जो कि एक्चुअली में 998 cc का इंजन है, और प्रोड्यूस करता है लगभग 58 BHP की पावर एंड 78 Nm ऑफ टॉर्क। एंड यहाँ पे आपको 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, AMT इसमें आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस गाड़ी के इंजन की माइलेज की, तो जो ARAI सर्टिफाइड क्लेम माइलेज है वो है अराउंड 32.25 KMPL, बट रियल लाइफ में अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको आसानी से सिटी में 24 से 25 की माइलेज दे देगी, और हाईवेज पे आपको आसानी से 27 से 28 की माइलेज इस गाड़ी से मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सिंगल ड्राइवर एयरबैग, EBS एंड EBD,
उसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे आप इस गाड़ी में जो जो एक्सेसरीज लगी हुई थी उसकी आप यहाँ पे लिस्ट और प्राइसिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सारी एक्सेसरीज इवन तो इस गाड़ी में नहीं लगी हुई है, बट जो और एडिशनल एक्सेसरीज हैं आपके यहाँ पे कॉस्टिंग और उसके प्राइसिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इस गाड़ी में एक्सेसरी इंस्टॉल की गई थी वो थी आपका पायलट का सिस्टम, जिसकी कॉस्टिंग है 9,190 रुपीज़। JBL के आपको वन पेयर का यहाँ पे स्पीकर मिल जाता था जो कि 280 वॉट्स का है, उसकी कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 2,700 रुपीज़। सेंट्रल लॉकिंग जो मैंने आपको बताया था ये आपका निपॉन का सिस्टम है जो आता है लगभग 6,500 का, बट इस वेरिएंट में अभी इंस्टॉल नहीं है। एंड यहाँ पे आप लेदर सीट कवर्स लगवा सकते हो जिसकी अगेन कॉस्टिंग आती है लगभग 6,500 की। फॉग लैम्प जो मैंने आपको दिखाया था उसकी आपको यहाँ पे कॉस्टिंग मिल जाती है 4,000 की। एंड आप यहाँ पे स्टेयरिंग कवर भी इंस्टॉल करवा सकते हो लेदर में, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 510 रुपये की। और स्पेसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसकी आपको अगेन कॉस्टिंग आएगी 537 रुपीज़ की। तो जो टोटल यहाँ पे जो ये कॉम्बो आपको मिल जाता है वो आता है लगभग 29,990 रुपये का। बट सिंस अभी डिस्काउंट का पीरियड चल रहा है तो आपको ये सारी एक्सेसरीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है 25,129 रुपये में मिल जाएगी। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको ऑल न्यू 2021 वैगन आर LXi। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को DM कर सकते हैं जिसकी आईडी आपको नीचे फ्लैश हो रही होगी। तो आप वहाँ पे कभी भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपके पास फॉर श्योर आएगा। टिल देन बाय।